जेम्स प्लाटविन द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी एवरी प्रोटेस्ट नोवेल। फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अंकल टॉम के केबिन में हर किसी का विरोधी उपन्यास अमेरिकी सामाजिक विद्रोह विरोध कथा के आधारशिला सेंट क्लेयर मास्टर अपने ठंडे रूप में अस्वीकार करने वाली यांकी चचेरी बहन मिस ओलिविया के लिए टिप्पणी करते हैं कि जहाँ तक वह बता सकता है अश्वेत इस दुनिया में गुरु के लिए शैतान को सौंप दिया गया है। हालांकि वह सोच समझ कर कहते हैं या अगले में बदल सकता है मिस ओलिविया की प्रतिक्रिया। कम से कम अत्यधिक यही सोच वाली है। यह पूरी तरह से भयानक है। वह चिल्लाती है, आपको खुद पर शर्मानी चाहिए मिस ओलिविया। जैसा कि हम मान सकते हैं लेखक के लिए बोल रही हैं। उनका नैतिक बड़े करीने से तैयार किया गया है और उन सुधार के आदर्शों वाक्यों की तरह निर्व्याध है जो कभी कभी सुसज्जित कमरों की दीवारों पर लटकते पाए जाते हैं। और उन आदर्शों की वाक्यों की तरह जिन व्यक्ति सामने एक हमेशा व्यक्ति झिझकता है एक असमर्थनीय लगभग एक अशोभनीय चकाचौंध को पहचानता है और वह सेंट क्लेयर बहुत गंभीर उनसे कोई भी मध्यकालीन नैतिकता पर सवाल नहीं उठाता और उनका सवाल उठता है काला सफेद शैतानी अगली दुनिया स्वर्ग और आग के बीच में अपने विकल्पों को प्रस्तुत करने के लिए वास्तविकता से निश्चित रूप से भी अपने निर्माता थे। उन्होंने ठुकरा दिया था और मूल रूप से पार्टीशन रिव्यू जून 1949 में प्रकाशित हुए एक मूल पुत्र के नोटिस में एकत्रित डीकेन प्रेस के अनुमति से एक मुद्रित नोटिस करते हैं। अंधेरे में डरे हुए प्रकाश के लिए प्रबल प्रयास करते हुए और इन विचारों पर मिस ओलिविया का विस्मयाद बोधक श्रीमती स्टोव के उपन्यास की तरह एक उज्ज्वल लगभग एक अस्पष्ट महत्व प्राप्त करता है। जैसे आग से प्रकाश को एक चुड़ैल भस्म कर देते हैं, इसे आग से एक चुड़ैल को भस्म किया जा सकता है। अधिक प्रबुद्ध दिन में लिखे गए निग्रो उत्पीड़न के उपन्यासों पर विचार करता है जिसमें सभी यही कहते हैं यह पूरी तरह से भयानक है, आपको अपने आप पर शर्मानी चाहिए। वह बाई दर फिलहाल हम निग्रो द्वारा लिखे गए उत्पीड़न के उपन्यासों को नज़रअंदाज करते हैं जो इस कथन में केवल एक उग्र निकट पागल पोस्टस्क्रिप्ट जोड़ते हैं और वास्तव में सुदृढ़ करते हैं। जैसा कि मैं बाद में स्पष्ट करने की आशा करता हूँ सिद्धांत को उत्पीड़न को सक्रिय करते हैं वे निंदा करते हैं। अंकल टॉम का केबिन एक बहुत ही खराब उपन्यास है। अंकल टॉम का केबिन एक बहुत ही खराब उपन्यास है। इसकी आत्मधारी गुड़ी भावुकता में लियोन वुमेन के साथ बहुत कुछ है। भावुकता अत्याधिकता और नकली भावना की दिखावटी परेड बेमानी की निराशा महसूस करने की असमर्थता भावुकतावादी की गीली आँखों आँखें उनके अनुभव के प्रति घृणा उनके जीवन में भय उनके हृदय को धोखा देती हैं और इसलिए यह हमेशा गुप्त और हिंसक अमानवीय का संकेत है। कुर्ता का मुखौटा है। अंकल टॉम के केबिन जैसे इसके बहुसंख्यक कठोर उबले वंशज हिंसा की एक सूची है। यह श्रीमती स्टोव की विषय वस्तु की प्रकृति द्वारा समझाया गया है। पूरी तस्वीर पेश करने में कुछ भी नहीं होने के लिए उनका प्रशंसनीय दृढ़ संकल्प एक स्पष्टीकरण जो केवल तभी लड़खड़ाता है जब हम यह पूछने के लिए रुकते हैं कि उसकी तस्वीर वास्तव में पूरी है या नहीं। और किस कसना यह धारणा की विफलता ने उन्हें कुर्ता से वर्णन पर निर्भर करने के लिए मजबूर किया। अप्रेषित संवेदनशील और अनुतरित और किसी का ध्यान न छोड़ने के लिए एकमात्र प्रश्न आखिर वह क्या था जिसने उसके लोगों को इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह हम कहते हैं मिस्टर श्रीमती स्टोव की शक्तियों से परे था। वह उतनी समझदार उपन्यासकार बिल्कुल नहीं थे जितना एक भावुक पैम्फलेटर। उनकी किताब का इरादा यह साबित करने के अलावा और कुछ नहीं था कि गुलामी गलत है और गलत थी। वास्तव में यह पूरी तरह से भयानक था। गुलामी
यह एक पैम्पलेट के लिए सामग्री बनाता है, उनके यह एक उपन्यास के लिए शायद ही पर्याप्त हो। और एक ही सवाल बाकी है कि हम अभी भी उसी बंधन में क्यों बंधे हुए हैं? यह कैसे है कि हम श्रीमती स्टोक द्वारा दी गई यात्रा की तुलना में आगे की यात्रा करने के लिए इतने घृणास्पद है, कुछ खोजने और सच्चाई के करीब प्रकट करने के लिए, लेकिन यह पस्त शब्द सत्य यहाँ अपनी उपस्थिति बनाकर तुरंत पहेलियों की एक श्रृंखला के साथ सामना करता है। इसके अलावा चूंकि इतने सारे सुसमाचार प्रचारित हैं, यह जुझारू बनने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, जो आइए हम कहें कि सत्य, जैसा कि यहाँ प्रयोग किया गया है, मनुष्य के प्रति समर्पण, उसकी स्वतंत्रता तथा पूर्ति का अर्थ स्वतंत्रता, जिसे विधायी नहीं किया जा सकता, पूरी जिसे चार्ट नहीं किया जा सकता, यह प्रमुख चिंता का विषय है। संबंध का दायरा इसे मानवता के प्रति समर्पण के साथ भ्रांति नहीं होने देता, जो बहुत आसानी से एक कारण के प्रति समर्पण समान है, और कारण जैसा कि हम मानते हैं कुख्यात रक्तपिपासु जैसा मुझे लगता है। हमने सभ्यताओं के इस सबसे यांत्रिक और इंटरलॉकिंग में इस प्राणी को समय बचाने वाले आविष्कार की स्थिति में लाने का प्रयास किया है। आखिरकार वह केवल किसी समाज का समूह या सदस्य नहीं, या विज्ञान द्वारा समझाने जाने वाले खेदजनक पहेली नहीं, वह है और कितने पुराने जवानों की शब्द ध्वनि करते हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ निश्चित से अनिश्चित प्रत्याशित। उसकी जटिलता को नज़रअंदाज करने नकारने उससे बचने में जो भी स्वयं की बेचैनी की जटिलता से अधिक कुछ नहीं, हम कम हो जाते हैं और हम नष्ट हो जाते हैं। केवल अस्पष्टता, विरोधाभास, इस भूख, खतरे, अंधकार के इस जाल के भीतर हम एक ही बार खुद को और उस शक्ति को पा सकते हैं जो खुद से मुक्त कर देगी। यह रहस्य उद्घाटन की शक्ति है जो उपन्यासकार का व्यवसाय है। एक अधिक विशाल वास्तविक की ओर यह यात्रा, जिस अन्य सभी दावों पर पूर्वता लेना चाहिए, जिसे आज अपनी जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि उसे औपचारिक घोषणा करनी चाहिए और अन्य लोगों के जीवन में शामिल और उसे प्रभावित करने के लिए इसके सुधार के बारे में कुछ कहना चाहिए, जब यह अस्पष्ट तथ्य है कि यह मानता है उसका भ्रष्टाचार और हमारा नुकसान इसके अलावा इसी मशीनीकरण में निहित है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसे तीव्र करता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट और द पोस्टमैन ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस दोनों ही इंसान के इस आतंक का उदाहरण है। इन आकार की कटौतियों करने का दृढ़ संकल्प और अंकल टॉम के केबिन में हम दोनों का पूर्वाभास पा सकते हैं। एक झूठ को सच्चाई से अधिक स्वादिष्ट खोजने की आवश्यकता के द्वारा बनाया गया सूत्र सौंप दिया गया है और याद किया जाता है कि तभी एक भयानक शक्ति के साथ बना हुआ है। श्रीमती स्टो के उपन्यास के एक और पहलू का विचार करना दिलचस्प है। जिस विधि से यह अश्वेत व्यक्ति के बारे में लिखने की समस्या को हल करती हैं, फीडहेड्स, हाउडनिगर, क्लोटाप से आदि के उनके जीवन में जुलूस के अलावा जो स्टॉक है, कोई समस्या नहीं पेश करने वाले प्यारे आंकड़े किताब के पास उनके तीन अन्य निग्रह हैं। यह महत्वपूर्ण है, उनमें से दो को तुरंत खारिज किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास केवल लेखक का शब्द है कि वे निग्रो और वे सभी मामले उतने ही गोरे हैं जितना उन्हें बना सकते हैं। दोनों जॉर्ज और एलिया हैं, एक विवाहित जोड़े के साथ पूरी तरह से प्यारा बच्चा, जिसकी विचित्र संयोग से जिसका आकर्षण बल्कि एक अंधेरे बूट बैग के दिमाग के कृपालु सिक्कों के झुंड के लिए एक हिरण और पंख कर रहा है। एंजिला एक सुंदर, पवित्र, संस्कारी, पास करने वाले, पर्याप्त प्रकाश गुणवत्ता की नायिका, वास्तव में उसका पुनर्जन्म हो सकता है उस सभ्य मालकिन से अलग जिसने उस शिक्षा की देखरेख में केवल इस सम्मान में की कि वह एक नौकर है। जॉर्ज गहरा है लेकिन एक यांत्रिक प्रतिभा होने के कारण इसके लिए बनाता है और इसके अलावा शहर में गुजरने के लिए पर्याप्त रूप से गैर नेग्राइड है। अपने मालिक से एक भगोड़ा, एक स्पेनिश सज्जन के रूप में प्रशंसा के ऊपर कुछ भी ध्यान आकर्षित नहीं करता। वे तापसिक से
अलग एक रेशम है उन उपन्यास में अंत तक सज्जन साजिश उन ऊर्जावान अंतिम मिनटों के संकल्प के एक माध्यम का ट्रांसपायर है कि एंजेलिसा के फ्रांसीसी सज्जनता के साथ कुछ संबंध है, जिस व्यक्ति के उपन्यास का नाम दिया गया है अंकल टॉम, जो अभी तक विवाद का एक व्यक्ति है। जेट ब्लैक उन्हीं बालों वाला अनपढ़ है और वह असाधारण रूप से असहनशील है। उसे होना है वह अश्वेत है। केवल इस पूर्वाभास के द्वारा ही वह जीवित रह सकता है कि विजय प्राप्त कर सकता है। उसकी जीत आध्यात्मिक है। संसार चूंकि वह काला है, प्रकाश के बिना पैदा हुआ है, केवल विनम्रता के माध्यम से, मांस के निरंतर वैराग्य के माध्यम से वह जीवन और मनुष्य के साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। वह भगवान और मनुष्य के साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। श्रीमती स्टोव का पूर्ण क्रूर पुरुषों के एक दूसरे के संबंध के लिए चिंता के रूप में इतना अस्थायी कुछ भी नहीं, जैसा उसने दावा किया होगा। भगवान के साथ अपने रिश्ते के लिए चिंता से लेकिन घबराहट के आग के लपटों में फेंका जा सकता है। शैतान के साथ यातायात में पकड़ा जा रहा है। उसे इस निर्दयी सिद्धांत को अपने पूरे दिल में अपनाया। अनुग्रह के सिंहासन के सामने बेशर्मी से सहदेवा जी की भगवान और मोक्ष उसकी निजी संपत्ति बन गए, जिसे उसके गुण और सिक्कों के खरीदा गया। यहाँ काली बुराई के साथ सफ़ेद अनुग्रह के साथ समान अच्छे कामों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वह अश्वेत को बाहर निकाल सकती थी। एक महसूस गुदगुदी जन दायरा के तौर पर एक जुनून की तरह अपनी आंतरिक आंख का दावा करते हुए वह उन्हें पाप से शुद्ध किए बिना गले नहीं लगा सकती। वह उनके डरावने वाले नंगेपन को ढक ले और सफ़ेद रंग की उद्धार के वस्त्र पहनाए। केवल इस प्रकार वह स्वयं को पाप से मुक्त कर सकती थी। केवल इस प्रकार वह दफन कर सकती थी, जैसा सेंट पॉल ने मांग की। शारीरिक आदमी मांस का आदमी टॉम, इसलिए उसका एकमात्र काला आदमी उसकी मानवता को लूट लिया और उसके लिंग से वंचित कर दिया गया। उस अंधेरे की कीमत है जिसके साथ उसे दागा गया। अंकल टॉम का केविन तब सक्रिय है जिसका धर्मशास्त्रीय आतंक दंड आतंक कहा जा सकता है, जो आत्मा के इस पुस्तक में सांस लेती है। गर्व आत्मधर्मी भयभीत मध्ययुगीन कालीन की उस भावना से अलग नहीं जो चुड़ैलों को जलाकर बुराई को दूर करने की कोशिश करती है और उसका आतंक से अलग नहीं कर सकती जो एक भीड़ को सक्रिय करती है। वास्तव में इस ऐतिहासिक या इतने भड़कीले उदाहरणों की खोज करना आवश्यक नहीं। यह एक युद्ध है जो प्रतिदिन मनुष्य के हृदय में लड़ा जाता है, एक विशाल युद्ध। यह इतना अथक और इतना शक्तिशाली अंतरजातीय हाथ मिलाना या अंतरजातीय विवाह, सार्वजनिक फांसी या गुप्त बलात्कार के रूप में क्रूस पर चढ़ाने जैसा हो सकता है। यह दहशत हमारी क्रूरता को प्रेरित करती है। अंधेरे का यह डर युद्ध इतना विशाल, इतना अथक, इतना शक्तिशाली है, यह असंभव बना देता है। हमारे जीवन साथी के भिन्न होना यह चमचमाती यांत्रिक अपहारिता सभ्यता से जुड़ी हुई है और खिलाती है, जिससे हमारी स्वतंत्रता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस बात के बावजूद अमेरिकी विरोध उपन्यास का घोषण उद्देश्य उत्पीड़नों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिलाना है, उन्हें माफ कर दिया जाता है इन अच्छे इरादों से कि वे भाषा के साथ जो हिंसा करते हैं, विश्वसनीयता जो मूल निवासी की नंगता, उन्हें यीशु की कोमल भुजा, जीसस क्राइस्ट यीशु कोमल भुजाएं और फिर गुलामी में ले लेनी चाहिए। उद्देश्य अब सभी अमेरिकियों को जो नाम के लड़के के बाध्यकारी रक्तहीन आयामों को कम करना है, यह समाज के लिए अजीबोगरीब विजय है और इसकी हानि यह लोगों को समझाने के लिए सक्षम है कि जिसे इसने फरमान के वास्तविकता को निम्न दर्जा दिया जाए, उसके पास अपनी उत्ति को हकीकत में बदलने के लिए ताकत और हथियार है, ताकि जहाँ तक सामाजिक वास्तविकता का सवाल है, कथित तौर पर इन लोगों को वास्तव में ऐसा बनाया जा सके या दास्ता के दिनों की तुलना में अब अधिक छिपी हुई घटना है। लेकिन यह कम कठोर नहीं। अब तक के रूप में हम वर्गीकरण के प्रकृति से पहले बाहर भीतर स्वयं को बाध्य पाते हैं। इस जाल के खिलाफ एक कड़वी रेलिंग के माध्यम से पलायन प्रभावित नहीं होता। ऐसा लगता है कि यह बहुत ही प्रयासों से हम जाल डालने की आवश्यकता की एकमात्र गति थी।
हम अपना आकार पा लेते हैं। यह सच है, हमारे जन्म के वास्तविकता के उस समय पिंजरे के भीतर उसके खिलाफ और या फिर भी आवश्यकता हमारी निर्भरता के माध्यम से ही हमें अधिक धोखा दिया जाता है। हमारी जरूरत के साथ समाज के साथ जुड़ा हमारी जरूरत समाज के साथ जुड़ी हुई है। हम इसे किन्नमवी मिथक जबरदस्ती उसके साथ बांधते हैं इस डर से कि इसके बिना हम शून्य में फेंक दिए जाएंगे। बिना समाज के हमारा कोई मूल नहीं होगा, जिसके भीतर शब्द बोलने की पृथ्वी की तरह समाज की नींव छिपी हुई है। वह शून्य से स्वयं यह समाज का कार्य है, वह हमारी रक्षा करे, लेकिन यह केवल एक बिंदु है। हमारे अज्ञात स्वयं मांग हमारे लिए सृजन का एक नया कार्य जो हमें बचा सकता है दुनिया में मौजूदगी बुराई से। उसी गति के साथ उसी समय यह वह जिसके लिए हम अंतहीन संघर्ष और जिसमें हम बचने के लिए अंतहीन संघर्ष करते हैं। याद रखना चाहिए कि उत्पीड़ित और उत्पीड़न एक ही समाज के भीतर बंधे हुए हैं। वे समान मानदंड स्वीकार करते हैं, वे समान विश्वास साझा करते हैं, वे दोनों समान रूप से एक ही वास्तविकता पर निर्भर करते हैं। इस पिंजरे के भीतर एक नए समाज को उत्पीड़ितों को इस इच्छा के रूप में रोमांटिक अर्थहीन और अधिक है, क्योंकि वास्तविकता के सहारे पर हम वह कांपती निर्भरता जिसके लिए वह हेरिक वॉल के साथ साझा समझा जाता है वास्तव में नए समाज को असंभव बना देता है। गर्व धारण करना एक नए समाज का मतलब है जिसके असमानताएं गायब हो जाएंगी, इसमें बदल दिया जाएगा या कोई उत्पीड़ित नहीं होगा, उत्पीड़न अपना स्थान बदल लेंगे। लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है अस्वीकृत इच्छा है, वर्तमान के समुदाय में उन्नयन स्थिति है। इस प्रकार अफ्रीकी निर्वासित मूर्ति पूजक नीलामी ब्लॉक और खेतों में जल्दीबाजी से उस भगवान को अपने सामने अपने घुटनों पर गिर गया जिस पर उसे अब विश्वास करना चाहिए, जिसे उसने बनाया था परंतु उसने स्वरूप के नहीं। यह झांकी यह असंभव था, अमेरिकी निग्रो की विरासत है। मुझे धो दो, दास से अपने निर्माता को रोया और मैं बर्फ से भी सफ़ेद हो जाऊं, क्योंकि यह काला रंग बुराई है। केवल उद्धार पाए हुए लोग वस्त्र सफ़ेद है। यह हवा रोना है जो हवा और खोपड़ी से अडिग है जिसके साथ उसे रहना चाहिए। कुर्ता की व्यापक रूप से प्रकाशित सूची के नीचे किसी तरह एक छवि, हवा पर बोझ डालने वाली चर्च की घंटियों की एक स्मृति या वास्तविक है जो एक ही दुख धारणा वह दोनों भाग लग जाती है, गले लगाने को दौड़ती है। अमेरिका में अब इस देश विरोधाभास को मौत के लिए समर्पित है, इसलिए एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका भाग्य पक्का एक झांकी में अस्पष्ट है। भागना हो या न, चलना हो या न, सब समान है। उसके माथे पर उसका कयामत लिखा हुआ है, उसके दिल में नेटिव शोन में। बीगर थॉमस शिकागो की सड़क के कोने में खड़े हुए एक सफ़ेद लोगों के द्वारा उड़ाई गई हवाई जहाज़ों को सूरज के खिलाफ दौड़ते हुए देख रहे हैं। भगवान लानत करते हैं, खून की तरह गुदगुदाई कड़वाहट 100,000 आक्रोश को याद करते हुए भयानक चूहे से पीड़ित घर का अपमान, राहत तीव्र लक्ष्यहीन बदसूरत कला, इससे नफरत की गंधक की आग इस तरह पन्ने में नफरत सुलगती है, बिखर जाती है, पूरे जीवन को नियंत्रित किया नहीं जा सकता। उनकी नफरत और उनके डर से परिभाषित किया जा सकता है और बाद में उस डर को हत्या और घृणा का और उसके बलात्कार के लिए प्रेरित करता है, वह मर जाता है। इस हिंसा के माध्यम से हमें बताया गया है कि पहली बार इस जीवन के लिए अपनी मर्दानगी को छुड़ाया। इस उपन्यास की सतह के नीचे जैसा ही मुझे लगता है एक निरंतरता उस राक्षसी कथा का एक पूरक है जिसे नष्ट करने के लिए लिखा गया है। बड़ा है अंकल टॉम का वंशज, उस मांस का मांस, एक चित्र के बिल्कुल विपरीत। जब किताबें एक साथ रखी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि समकालीन निग्रो उपन्यास और मृत न्यू इंग्लैंड महिला एक घातक कालातीत लड़ाई के साथ बंद है।
एक निर्दयी उपदेश देता है, दूसरा चिल्लाता है और वास्तव में वासना और रूस के इस जाल के भीतर श्वेत और श्याम केवल एक दूसरे के नाव उत्तम मृत्यु के लिए लंबे समय से जोर और प्रतिजोर कर सकते हैं। यातना, तेजा, चाकू और जलाने से मौत, जोर, क्रष्ट, थ्रष्ट, लालसा उस बादल को और भारी बना देती है जो उन दोनों को अंधा कर देता है और उनका दम घोट देता है ताकि वे एक साथ गड्ढे में उतर जाएं। इस प्रकार पिंजरे में हम सभी को धोखा दिया। इस क्षण हमारा जीवन इसे बीमा करने से हमारे भयानक प्रयासों के माध्यम से कुछ भी नहीं बदला गया। क्योंकि बिगड़ या त्रासदी नहीं, या ठंडा या काला भूखा है, यह भी नहीं कि अमेरिकी है, काला है, लेकिन यह उनमें एक धर्म शास्त्र को स्वीकार किया गया है जो जीवन से वंचित करता है। वह अपने उपमान होने की संभावना को स्वीकारता है और भी विष महसूस करता है, इसलिए उन कुर मानदंडों के अनुसार अपनी मानवता के लिए युद्ध करने के लिए जो जन्म के समय वसीहत मिला है। लेकिन हमारी मानवता हमारा बोझ है, हमारे जीवन में इसके लिए लड़ाई जरूरी नहीं। हमें केवल वही करने की आवश्यकता है जो असीमित रूप से अधिक कठिन है, अर्थात इसे स्वीकार करें। विरोध, उपन्यास की विफलता, उसके जीवन, मनुष्य, उसकी सुंदरता, भय, शक्ति की अस्वीकृति में निहित है। इसके आग्रह के लिए यह केवल उसका वर्गीकरण है जिसे पार नहीं किया जा सकता। यह यहीं पर ख़त्म होता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि इसकी भाषा बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, तो आप अगर इसे 2 से 3 बार नहीं सुनते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। थैंक यू।